इतना क्या सुकून मिलता है ना हाईवे पे ड्राइव करके। आपका भाई जा रहा है बाय रोड दुबई। देख लो भाई, एक कराची है और एक ये भेरिया टाउन है, दोनों है एक किलो के अंदर, लेकिन गेम आपके सामने है। अस्सलामुअलैकुम खवातीन और हजरात, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो भाई क्या हाल है सबके, आज आपका भाई चलती गाड़ी में व्लॉग स्टार्ट कर रहा है। उम्मीद है भाई सब खैरियत से होंगे, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। कराची का मौसम जो है अच्छा हो रहा है, लेकिन बहुत हब से बहुत गर्मी है, पता नहीं बारिश होगी नहीं होगी, कब होगी, क्या सीन है, समझ से बाहर है। तूफान आ रहा था वो तो शार्ट हो गया, शुक्र है भाई शार्ट हो गया, ना कराची तो बचता ही नहीं, वैसे ही बेचारा खंडर तो हो गया। खैर भाई, आज का सीन ये है, थंबनेल में तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि आपका भाई जा रहा है बाय रोड दुबई, लेकिन आप लोगों ने एक चीज पे गौर नहीं किया, वहाँ लिखा हुआ था दुबई लाइट। अब लाइट का क्या मतलब है ये तो आप लोगों को रास्ते में ही समझाएंगे हम जाते जाते। अभी खैर कुएं का टैंक फुल कराते हैं भाई, कुआं जो है ना बिल्कुल अपने आखिरी मराहिल में किसी भी टाइम दम तोड़ सकता है, इसका टैंक फुल कराते हैं और फिर देखते हैं क्या सीन है आगे का, निकलते हैं फिर। मौसम अच्छा हो रहा है यार काफी ना, लेकिन बहुत हब्स है यार, बहुत हब्स है, धूप नहीं है लेकिन हब्स बहुत है। खैर अभी चलते हैं टैंक फुल कराते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या सीन है। देख रो, एक हाथ से गियर चल रहा है, एक हाथ से फोन पकड़ा हुआ है, एक हाथ से स्टेयरिंग चल रहा है, फुल घड़पेंच हो गया आपका भाई जो है ना ड्राइविंग के मामले। मैनुअल गाड़ी चलाते हुए आपका भाई देखो ब्लॉग बना रहा है नहीं मेहनती बच्चा। एक तो ये यार डीओ वालों के जो ये स्पीड ब्रेकर है ना, खैर वो भाई बचत हो गई, पेट्रोल बिल्कुल आखिर पे था और गाड़ी ने झटका मार दिया था, आपके भाई ने फौरन गाड़ी घुमा ली, मैंने एसी वेसी बंद किया और मैंने गाड़ी घुमाई, मैं सब था इससे पहले बंद हो सबसे करीब वाले पंप पहुंचो, शुक्र है पंप पहुंच गया, अभी गाड़ी बंद नहीं हुई, बचत हो गई वरना पार हो जाते भाई। तो फिर आखिर कर देते ना, बिल्कुल एंड पे ले आते हैं भाई कांटा, उसके बाद सुंगा सुंगा आगे डलाते हैं, आती बहुत है यार ये साल। भाई डालेंगे अब हमारी गाड़ी में पेट्रोल, ऐसे लेंगे ऐसे नहीं डालेंगे। 2627 रुपए का आपके भाई ने 10 लीटर पेट्रोल डाला है, कांटा वहीं का वहीं है, थोड़ा सा ऊपर ही है, आधा टैंक भी नहीं हुआ, क्या हमें थोड़ी खुशी मिल जाती, कांटा वहीं का वहीं है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। खैर आज हम ये भी टेस्ट कर लेंगे 2000 के पेट्रोल में, 10 लीटर पेट्रोल में गुलशन से बैरिया टाउन आना जाना होता है कि नहीं होता। Let's see. चलते भाई, आप लोगों को पता तो चल ही गया होगा हम दुबई नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं दुबई लाइट, हम जा रहे हैं बैरियर टाउन कराची। भाई हम कराची वालों के लिए तो वहाँ जाके ऐसा लगता है दुबई में आ गए भाई, सीधी सी बात है, साफ सुथरे रोड, फुल सिस्टम, साफ सुथरे घर, साफ सुथरे रोड, अच्छा सा एटमोसफेयर, धूल मट्टी नहीं, खट्टे घूमने नहीं, मान ली तो दुबई है भाई, काम भी निपटाते हैं अपने और आपको बैरियर टाउन भी दिखाते हैं। वैसे तो देखा हुआ होगा बहुत सारे कराची वालों ने, जिन्होंने नहीं देखा होगा वो देख लेंगे। आज आपके भाई की गाड़ी का एवरेज भी पता चल जाएगा सही मायने में, क्योंकि हमने डलाया है, हमारा टैंक बिल्कुल सूख गया था तो 10 लीटर डॉट पेट्रोल डलाया हमने। ये है कि लॉन्ग पे पता चल जाएगा वही गाड़ी के एवरेज दे रही है, क्योंकि हाईवे पे तो तेज स्पीड में ही चलती है तो उसको लॉन्ग ही कंसीडर करेंगे हम, वैसे तो अभी यहाँ तक तो स्लो ही चल रही है गाड़ी, लेकिन आगे जाके ये है कि तेज़ हो जाएगी तो लॉन्ग ही कंसीडर करते हैं उसको, फिर देखते हैं लॉन्ग पे क्या एवरेज दे। 10 लीटर में ये भी पता चल जाएगा बैरियर टाउन से आना जाना कराती है नहीं कराती, तो ये भी देखते हैं 10 लीटर में कितने किलोमीटर गाड़ी चले, चेक करते हैं आज एवरेज, टेस्ट करते हैं गाड़ी। बड़े दिनों के बाद लॉन्ग पे गाड़ी लेके आऊँ ना, मज़ा आ रहा है चलाना, कराची में तो यार भगा ही नहीं सकते किसी रोड पे गाड़ी, एक किलोमीटर का कोई ऐसा बैच नहीं है जहाँ आप गाड़ी को ना कॉन्स्टेंटली एक्सीलेटर पे रख सकें, तो ब्रेक मारना ही पड़ता है कहीं ना कहीं।
जब भी हाईवे पे आता है ना आपका भाई, तो दिल चाहता है बस निकल जाए पाकिस्तान टूर पे। मतलब आप बाइक चेक करो ना, फिर कराकरम की हाईवे पे बंदा जा रहा है गाड़ी में, स्लो म्यूजिक लगा हुआ है, एक तरफ पहाड़ है दूसरी तरफ नदी बह रही है। ओए होए होए होए, जोश आई है, जोश जोश आई है मेरे को। से ना हो पाएगा। क्या वाइब है यार, क्या वाइब है। जिसको ड्राइविंग का शौक हो ना, मैं तो कहता हूँ एक दफा जरूर जाए पाकिस्तान दौर पे अपनी गाड़ी से, बाय रोड खुद ड्राइव करेंगे। क्या मजा है, क्या थेरेपी है, नेक्स्ट लेवल। टाउन के स्टार्टिंग में घुसते ही एक अलग ही वाइब आती है। तो अभी शाम का टाइम है, इन रात के टाइम आप आओ ना, यहाँ की जो लाइट जल रही होती है अलग ही वाइब आती है। आपको लगता है मतलब किसी अच्छी जगह पे बंदा आया है, लगता है दुबई आ गया। मतलब आपका भाई दुबई गया नहीं है, चौड़ा वैसे हो रहे थे रोज आते जाते रहते हैं, चौड़ा ही रहना चाहिए जिंदगी, समझ वाली नहीं आने पर से आओ। भाई बैरियर टाउन की एंट्रेंस, सूरत एंट्रेंस बनाई है यार, यहीं तो ये सारा जीता हुआ है। देख लो भाई, एक कराची है और एक ये बैरियर टाउन है, दोनों है 1 किलो के अंदर, लेकिन गेम आपके सामने है। पंजरो, इफ यू नो यू नो। एसी बंद कर देते हैं, फिर दिखाते हैं अपनी व्यूज और वाइब्स। यहाँ पे आके बंदा बंद कर सकता है, धूल मट्टी नहीं आती। ओए होए, बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है यार, या तो आजकल काफी कंस्ट्रक्शन का काम हो गया यार। क्या चौड़े रोड हैं यार, क्या वाइब है ना। लग रहा है ना दुबई के शेख जायद रोड पे आ गया आपका भाई, गाड़ी चलाते चलाते ऐसे ही थोड़ी हमने थंबनेल में लिखा था भाई दुबई जा रहे हैं, भाई रोड हमारे लिए तो भाई दुबई है। अब क्या चौड़ा रोड है यार, क्या चौड़ा रोड है, तब बंदे का दिल खुश हो जाए यहाँ गाड़ी चला के ना। क्या भाई यार, और अच्छे एंगल देखना आप, सनरूफ से दिखाते हैं और अच्छे एंगल में दिखाते हैं, इसमें आप कुछ बोल नहीं सकते। भाई ये शराटे वाली आवाज चल रही है, मतलब इससे पहले फोन उड़े अंदर कर लो भाई फोन। ये है भाई जिन्हें एवेन्यू का रोड, और ये सारी कमर्शियल बिल्डिंग है सारी यहाँ पे, ये अपार्टमेंट बने हुए हैं, ये हॉस्पिटल बना हुआ है, काफी चीजें अंदर अभी आनी है और काफी चीजें हैं भी अभी अंदर, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही, लेकिन वही है कि फिर आपको शहर आना ही पड़ता है चीजें करने के लिए, काम वाम अपने करने के लिए। ये भाई सामने बना हुआ है बैरियर टाउन का थीम पार्क, काफी मजे की यहाँ पे राइड्स है, जू है, और आई गेस वाटर पार्क भी है इसमें। आपको काफ़ी पहले गया था मैं तो, पेरिस का टिकट विकेट बहुत महंगा हो गया भाई। ये बना हुआ है राउंड अबाउट में, जिन्हें एवेन्यू के राउंड अबाउट में, इतना बड़ा राउंड अबाउट है तो पूरे राउंड अबाउट में इन्होंने पार्क बना दिया। भाई यहाँ यू टेंशन रख लेना है,
काफी कंस्ट्रक्शन हो गई है यार बैरियर टाउन में। राइट्स पे लोग दिख नहीं रहे, पता नहीं फील आ रहा। यार यहाँ जो सारे पैसे हैं ना वो सफाई सुथराई है, अब क्या सफाई उतरी हुई है ना वीआईपी के सामने, सारे पैसे यहाँ उसी के। वैसे तो हमें जाना यहाँ है लेकिन थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। सामने जो बाउंड्री दिख रही है ये है अली विला, जो के बहरिया टाउन के ओनर के बेटे का घर है। देख रहे हैं आप किला इतना छोटा सा बना हुआ, ऊपर बाउंड्री वॉल में आता बहरिया टाउन तो खुद ही देख लिया। ये बना हुआ है भाई किला ऊपर, बाकी ये बाउंड्री वॉल आधी खुद ही देख लिया। बहरिया टाउन आगे ना सिर्फ दिख जाता है कि बंदा गाड़ी भगाए मोटो, ये बाइक वाला एक तो आ गया सारी ऑडियो मेरी खराब कर रहा हूँ भाई। खैर इग्नोर इग्नोर, ऐसा होता है यहाँ पे भी होता है बैरिया में भी होता है, नॉर्मल बाइक वाले। यहाँ आगे बंदे का दिल चाहता है वो गाड़ी मटता रहे, बड़े चौड़े और खुले खुले रोड्स और खड्डे नहीं। ये वही आ रही है सामने बैरिया टाउन की सबसे बड़ी मस्जिद। भाई सुना तो हमने ये है कि ये एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है जो कि बन रही है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है बैरिया टाउन में, लेकिन पता नहीं भाई कन्फर्म नहीं है इसलिए आपका भाई पहले ही बता रहे भाई नीचे आगे लेना नहीं कमेंट्स में, अपने को नहीं पता, अपन ने ऐसा सुना था कि ये एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। तो माशाल्लाह बहुत बड़ी मस्जिद है। बहुत बड़ी मस्जिद है यार माशाल्लाह, लेकिन कैमरे में ये पता नहीं चल रही होगी आपको। ये आ गई भाई नंबर वन, समझ रहे हो समझ रहे हो नंबर वन आ गई, नंबर वन, बस उससे ज्यादा मैं खुद नहीं बोलूंगा, सारी काफी है आपको समझ जाना चाहिए। ये भाई सामने आ रहा है लंदन ब्रिज लाइट, लाइट समझ रहा हूँ ना फिर तभी, लंदन ब्रिज तो फिर लंदन ब्रिज है, इसे हम कहते हैं लंदन ब्रिज लाइट, या आप ये भी कह सकते हैं गरीबों का लंदन ब्रिज, तराज से ऑर्डर किया हुआ लंदन ब्रिज, हमने तो भाई यही नाम दिया है इसको लंदन ब्रिज लाइट। अच्छी वाइब है ब्रिज की, पिक्चर्स खींचते हैं लोग यहाँ पे आगे। रात में जब लाइटें जल्दी होती है ना तो ब्रिज का बड़ा अच्छा व्यू आता है, ऊपर से भी और नीचे से भी सारी लाइट ऑन होती है इसकी। ये भाई ब्रिज के ऊपर का व्यू है, यहाँ उतरते हैं और बहरिया टाउन का व्यू दिखाते हैं आपको, काफी चिकना व्यू है ब्रिज के ऊपर का। रोड्स का व्यू देखो यार क्या साफ सुथरे रोड्स का व्यू आ रहा है, चौड़े चौड़े रोड्स। ये अभी तो हम आधा बहरिया टाउन में अंदर नहीं है अभी, ये रोड तो काफी एंड तक जा रहा है। सामने की तरफ हम जाएंगे तो हम घुस जाएंगे अली ब्लॉक में, फिर वहां से चलते हैं हम अपनी डेस्टिनेशन जहाँ असल में हम आए। ये तो काली पीली हमने इतना लंबा घुमा लिया अपने आप में, आप लोगों को दिखा देंगे, ब्लॉक भी तो बनाना है ना यार, फिर चिखाती चढ़ाई है। इस चढ़ाई से उतारते वक्त आपके भाई ने ऑल्टो पे मारी थी 140, पुरानी वाली ऑल्टो पे 2003 वाले मॉडल पे ये फंस गया, तो लोग 100 से ऊपर ले जाते हुए डरते थे, आपके भाई ने 140 मारी थी उस पे। हमारे लिए तो स्पोर्ट्स कार थी भाई, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, वेरी डेंजरस यू नो, ब्रेक नहीं लगा तो मर गया इंतकाल। ये आ गया भाई प्रीसेंट 10B, यहाँ के सारे एक ही जैसे घर बने। आई गेस 240 स्क्वायर यार्ड वाली कैटेगरी है क्या है, ये सब एक जैसे बने।
ये वो है जो भैया टाउन ने खुद कंस्ट्रक्ट करके दी। और ये आ गया अली ब्लॉक। यहाँ का भी सीन ये है कि यहाँ खुद तो बना सकते हो अगर, लेकिन उसमें भी ये है कि आपको 4-5 सेलेक्टेड एलिवेशन है उसी के मुताबिक बना सकते हो। ये नहीं कि अपनी मर्जी, नहीं कि भाई कराची में तो बाप का राज चलता है ना, छज्जा बाहर खींच लिया और बाहर का रूट का जितना हिस्सा था उसको क्यारी में लेके पार्किंग बना दी, गेट बाहर निकाल लिया, एक छज्जा 10 इंच खींचा, दूसरा 15 इंच खींच दिया बाहर। यहाँ ये कहानियाँ नहीं हो सकती भाई, यहाँ चेक इन बैलेंस यहाँ बहुत होता है। आप सेल्फ बनाओ या फिर इनके अपने, तो खैर जाहिर है सेम स्ट्रक्चर होता है, लेकिन अगर आप खुद भी बनाओ चेक इन बैलेंस और डंडा बहुत है भाई। फिर ये टाउन के कुछ रास्तों पे तो आगे ऐसा भी लगता है जैसे आप जो है ना पहाड़ों पे जा रहे हो, जैसे वो रोड है चढ़ाई पे हमने जाना है अभी ऊपर, यहाँ से नीचे उतर के फिर आ जाएंगे हम अपनी डेस्टिनेशन पे, ये ड्रॉप कर लें हम ताकि गाड़ी हमारी मरे नहीं। ये तो बाकी ऐसा लग रहा है मैं जा रहा हूँ पहाड़ों वहाड़ों पे। ये है भाई बैरियर टाउन का हेड ऑफिस, सारे आपके जो भी मसले हैं उसका हल यहाँ पे निकलेगा। ये कहलाता है मिडवे कमर्शियल, यहाँ पे सारी कमर्शियल शॉप्स हैं, मार्केट है, और अब तो खैर खाने पीने की भी काफी चेनें आ गई हैं यहाँ पे। तो बॉयज कजन्स के घर में पहुँच गया हूँ, यहाँ से जरा फ्री होते हैं फिर देखते हैं वापसी का क्या सीन है हमारा। तो यार इस टाइम बज रहे हैं रात के 11:30, आपका भाई फ्री हो गया अभी कजन्स के घर से, एरिया टाउन भी आप लोगों ने देख लिया, अब यहाँ से चलते हैं वापसी घर की तरफ। कांटा हमारा इतने पे आ गया क्योंकि हम अंदर घूमे भी हैं, अब देखते हैं घर पहुँचते हैं या नहीं पहुँचते, क्या सीन है, चलते हैं बाकी का रास्ता दिखाते हैं आपको एरिया का। अब नाइट के व्यूज भी तो आपको दिखाए ना यार, नाइट में आप देखिए लाइटिंग कितनी है यार। तो हमारी गाड़ी का शीशा टिंड है ना फ्रंट का, आपको अंधेरा ही लग रहा होगा लेकिन भाई रोशनी है, ऐसी बात नहीं है। गेट और ये आ गया नाइट व्यू गेट का, क्या लाइटिंग है। दुनिया हो गया भैया टाउन खत्म, बैक टू कराची बेबी। है तो हम वैसे कराची में ही, लेकिन हम असल वाले कराची में जा रहे हैं, हम आए हुए थे दुबई लाइट में, जा रहे हैं असल वाले कराची में। भाई ये वाहिद कोई अंडरपास होगा जिसमें इतनी लाइटिंग है, मतलब आप देखें लाइटिंग देखें इतनी लाइटिंग है इस अंडरपास में, ये वाहिद कराची का अंडरपास होगा जिसमें इतनी लाइट है, तो साफ सुथरा अंडरपास बना हुआ है भाई, ना कोई दीवारों पे पीके हैं हमारी अलमशहूर निशानी पाकिस्तानी होने की, ना कुछ है, साफ सुथरा लाइटिंग, ना कचरा है, ना साइडों पर रोड टूटा हुआ है, ना कीचड़ जमी हुई है, ना पानी है। वहाँ से पकड़नी है स्लिप भाई, ये स्लिप पकड़ना भाई बहुत ज़रूरी है बैरिया टाउन से वापसी आते हुए, ये स्लिप देख लो भाई। तो अगर ये स्लिप आपने वहाँ टूल पे शो नहीं करी ना तो वो फिर आपको हैदराबाद का टूल चार्ज करेगा, वो बोलेगा आप हैदराबाद से आ रहे हो तो हैदराबाद से टूल महंगा है, आई गेस 260 या 280 रुपये का। जब भी भैरिया से वापसी आए तो लाजमी ये निकलते पर्ची ले, वैसे तो यहाँ निकलते हुए स्टॉप बना हुआ है तो आपको पर्ची लिए बगैर आप बाहर निकल ही नहीं सकते, लेकिन कभी बैरियर खुला हुआ और आप होशियारी सोचे ना कि शायद मुझसे पैसे ले और आप गाड़ी भगा दो, मेरे भाई ये तो पैसे नहीं लेता, लेकिन आगे जो पैसे लेंगे ना फिर वो आपको बुरा लगेगा। और भाई हाईवे पे निकलते ही अंधेरा शुरू हो गया, जहाँ जहाँ अंधेरा जा रहा है वहाँ आप चलते ना अपने कराची पहुँच जा रहे। सुबह अभी लगा दिए तो इतनी रोशनी पड़ती नहीं, लेकिन ये भी अभी आधे आधे रास्तों पे लगे हैं, आधे पे नहीं लगे।
रिक्शा काले होने की वजह से वैसे इतनी विजिबिलिटी थोड़ी कम हो रही है, तो जरा हाई बीम जलानी पड़ती है। हाईवे पे क्या करें। आपको दिख रहा है कि रिजर्व की लाइट जल गई है। 66 किलोमीटर अभी हमने गाड़ी चलाई है 10 लीटर पे और रिजर्व की लाइट जल गई है। वापसी आते में टूल अभी हमने क्रॉस कर लिया है और अब रिजर्व की लाइट जल गई है गाड़ी में। इसका मतलब ये है कि हम 10 लीटर में घर तो आना जाना कर लेंगे। तो अब ये है कि तकरीबन आप समझे कि 12 किलोमीटर रह गया होगा शायद मेरा घर। अभी हम इस टाइम है अल कबीब तक पहुँच गए हैं वापसी। ये सब वाला कट्टी थी पीछे वाला भी तक पहुंच गए। घर पहुंच जाएंगे भाई, घर पहुंच जाएंगे। तो भाई भेड़िया से वापस आ गया था मैं और रास्ते में हमारे दोस्त का घर आते हैं तो हम वहाँ रुक गए थे। ये पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि मैं इधर बैठा हूँ और कोई गाड़ी चला रहा है। दोस्त बैठा हुआ है मेरा, उसको मैंने गाड़ी दी है, उसने कभी चलाई नहीं मेरी गाड़ी। आपका भाई गाड़ी सबसे लेता है लेकिन देता नहीं है। और पेट्रोल वाला हमारा मिशन पूरा हो गया। भेड़िया से हम घूम के आ गए पेट्रोल एंड पे। 80 किलोमीटर गाड़ी हमारी चल गई है तो मिशन हमारा पूरा हो गया। ऐसा ना हो भाई को दिखे नहीं फ्लैश लाइट की वजह से। राफी भाई आपको दिख रहा है? हमारी खरगोश की आंखें। राफी भाई गाड़ी की ड्राइव क्या कह रही है? गाड़ी की ड्राइव ये है कि बड़ा खुला रोड नहीं मिल रहा। ओके बस आप एक काम करें आगे दिखे आप ब्लॉक व्लॉक छोड़े वहाँ। फिर राफी भाई को खुला रोड मिल नहीं रहा है इधर गुच्छन में जो है ना। जहाँ मिलेगा तो ये मरने के चक्करों में भी मोछड़ा देते देते ही रह गए हैं। नुक्कड़ से ना बम्पर से बम्पर की फ्रेंच होने आ गई थी। सर में ये लाइट जल रही है ना फ्लैश की तो भाई को दिख नहीं रहा ऐसा मुझे पता चल रहा है। सीट काट रहा था वहां से देख रहा था। ओके ये बाइक वाले जा रहे हैं यार। ये बाइक वालों ने भी तो बहुत तंग किया है ना यार, जिंदगी हमारी खराब कर दी है। ऊपर से ये डाले वाले तो ये अलग बदमाश है। डाले वाले तो भाई बदमाश है। डाले वाले से बदमाशी नहीं करो भाई, है तो है बदमाश खत्म हो गई बात। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। भाई घर पहुंचने वाले हैं। ये था आज का ब्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो भाई चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें कि आगे बहुत लेवल की चीज़ आने वाली हैं। और ये भाई को भी इंस्टा पे फॉलो कर लीजिएगा, इनका ट्विटर का वो इंस्टा का हैंडल डाल दूंगा मैं नीचे। मेरे को भी फॉलो करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके भाई अल्लाह हाफिज़।